कान्हू महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे माँ के बिहारी। तो यहाँ पर जाना नहीं है आज। सबसे पहले तो मैं उन भक्तों को प्रणाम कर रहा हूँ, भैया कृपया करके अपनी भक्ति को अपने तक सीमित रखें, दूसरों को ज्ञान ना दें। जिनको खुद को कुछ ज्ञान नहीं है वो कृपया ऐसे अज्ञान को ना फैलाएं जिसकी वजह से लोगों को श्राप मिले, जिसकी वजह से लोगों को अपराध की श्रेणी में आए, जिसकी वजह से लोग पाप करें और जिसकी वजह से लोगों को जो है वो भुगतना पड़े क्या अपना पाप, यानी कि गलत चीज़ है। तो ऐसे कर्म ना करिए। आप सुनते जाइए बड़े ध्यान से। लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता है, युगल सरकार का व्रत नहीं होता है, बांके बिहारी जी का व्रत नहीं होता है, राधा रानी का व्रत नहीं होता है, ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है एकादशी पर, चाहे किसी भी जिन दिन हो। आप अगर प्रदोष का व्रत रखते हो, आप एकादशी का व्रत रखते हो, आप पूर्णमासी का रखते हो, आप अमावस्या का व्रत रखते हो, आप सोमवार का व्रत रखते हो, आप किसी भी दिन व्रत रखते हो, ठाकुर जी का व्रत नहीं होता है। जन्माष्टमी के दिन हम लोगों ने व्रत रखा ठाकुर जी महाराज के लिए। ठाकुर जी ने तो पकवान खाए थे भैया, पूरे दिन में पकवान खाए थे, सुबह भी खाए थे, शाम को भी खाए थे और रात्रि में भी खाए थे, दोपहर में भी खाए थे, पूरे दिन पकवान खाए थे ठाकुर जी ने। वो व्रत किसके लिए रखेंगे भाई? भगवान से ऊपर थोड़ी है कोई, सर्वेश्वर है वो और सर्वेश्वरी है राधा रानी, तो उनके ऊपर जब कोई नहीं है तो वो किसको मनाने के लिए व्रत रखेंगे? अरे वो लाड़ लड़ाते हैं एक दूजे को, वो एक दूजे के लिए रख सकते हैं, हमारे लिए नहीं। लेकिन हम जनमानस जो है वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए व्रत रखते हैं, ठाकुर जी को मनाने के लिए व्रत रखते हैं और हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने के लिए, उनको प्रेम दर्शाने के लिए व्रत रखते हैं, ताकि हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने तन को हम थोड़ा कष्ट देते हैं। और कैसे कष्ट देते हैं? जब भूख लगती है हमें भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, हमें अपने मन को मारना पड़ता है हमको, और चाहे हमारा कुछ भी मन हो कुछ भी खाने का, लेकिन हम वो कुछ भी नहीं खाएंगे, हम सिर्फ व्रत रखेंगे अगर हमने व्रत का पालन करना है पूरे तरीके से, नियम से। और दूसरी चीज़ इससे भी ज़्यादा जो बड़ी परेशानी जो मैं देखने को मिली है कि आज हमने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, कि मासिक धर्म के दौरान लेडीज़ को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, सेवा नहीं कर सकते हैं आप किसी भी सूरत में। वहाँ पर हमने बोला कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास मतलब कमेंट्स में ये चीज़ आ रही है कि क्या हम राधा रानी की कर सकते हो? तो मेरे को ये जानना है भैया, राधा रानी कौन है? वो ठकुरानी है, वो भी ठाकुर जी के ही साथ हैं, हमारे तरह नहीं है राधा रानी। या हम खुद को अगर ये राधा रानी समझ लें या खुद को, तो कभी नहीं बन सकते राधा रानी। और दूसरी चीज़, यशोदा मैया बनने की कोशिश मत कीजिए। यशोदा मैया बनना है तो भाव पूर्ण रखिए, भाव के साथ बनिए यशोदा मैया। आप ऐसे नहीं बन सकते कि आपने लल्ला ले आए मार्केट से और ठाकुर जी जो है, या देवकी जी नहीं बन सकते, यशोदा जी नहीं बन सकते, और आपने उनको लेके घर पे आए और घर पे बच्चे की तरह सेवा कर रहे हैं, ये नहीं होता है चीज़ें। आप उनको यशोदा मैया बनकर आप उनको लाड़ लड़ा सकते हो, प्रेम कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मासिक धर्म जो आता है वो श्राप की वजह से आता है, वो किसी आपको कोई पुण्य नहीं किया आपने जो उसकी वजह से उनको मिलाओ, फल मिलाओ या कोई अच्छी चीज़ के लिए, तो उस वक्त आपको हर पवित्र वस्तु से भी दूर रहना पड़ता है, जैसे कि रामायण का पाठ हो, जैसे कि महाभारत का पाठ हो, जैसे कि आपके भगवत गीता हो, ये भी आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। आप अपने फ़ोन में रीड कर सकते हैं किसी ऐप के थ्रू, लेकिन आप उसके अलावा भगवत गीता के पाठ को नहीं रीड कर सकते हैं। बस बुक लेकर आप उसको रीड करना चाहें, आप उसको अपने फ़ोन में किसी ऐप में, आजकल ऐप चलती हैं जी, या फिर गूगल है या फिर यूट्यूब है।